हेलो, आज हम अपने टैली में टैली के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। हमने अपनी क्लासेस में ग्रुप्स बनाने देखे, कैटेगरी, जीएसटी, पेरोल सब कुछ देखा। आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं सेपरेटली आपको बताने लगी हूँ। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं उन पर ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो यूज़फुल होते हैं। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले, जब भी आप टैली को डाउनलोड करते हो, जैसे ही आप टैली डाउनलोड लिखते हो, तो यहाँ पर अब न्यू वर्जन 4.0 आ रहा है। आपने इस पर जैसे ही क्लिक किया, आपके पास जब भी आप डाउनलोड करोगे अब 4.0 होगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको नीचे जाकर एक ऑप्शन मिलेगी, डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन्स। जैसे ही आप प्रीवियस वर्जन पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए तो जो प्रीवियस वर्जन है आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो कि जो न्यू वर्जन है 4.0 और कुछ कंटेंट है जो प्रीवियस वर्जन में किया था, आप देखना चाहते हो कि भी वहाँ पर ऐसे इम्पैक्ट आया था, इस पर कैसे आएगा, तो आप प्रीवियस वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो आपका जो डाउनलोड होती है कैलो के टैली, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ डाउनलोड होता है, राइट। अगर आप जब भी डेटा बनाते हैं टैली में, उसको आप मान लीजिए, मैं कंट्रोल F3 करके मैं इस कंपनी को शट कर देती हूँ, इस वाली कंपनी को भी शट कर देती हूँ, इसको भी कंट्रोल F3 करके आप कंपनी को किसी को भी शट कर सकते हैं। और शट करने के बाद न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए, जैसे ही मैंने दोनों कंपनी शट कर दी, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग स्क्रीन में हैं तो ऑल्ट के करेंगे तब भी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर सभी कंपनीज को जब शट कर देते हो, जब फर्स्ट टाइम आपको यही स्क्रीन दिखाई देता है, जब आप कंपनी को क्रिएट करते हो, क्रिएट कंपनी में आप गए, तो आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो आपको ऊपर कोई पाथ नज़र आएगा। आप चाहो तो बैकस्पेस प्रेस करके इस पाथ को चेंज भी कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि मेरी हर कंपनी एक पर्टिकुलर पाथ में ही सेव हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं इसको स्किप करके छोड़ देती हूँ। आप उसमें, आप ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप डी ड्राइव में ही अपने डेटा को सेव करें। आप डी ड्राइव में आ जाएं, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके टैली डेटा नाम से क्या कर लें, एक आप फोल्डर बना लें, उसको एंटर कर दें। ऊपर जब आप जाएंगे, यहाँ पर आपका नेम बार होता है ये वाला, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पाथ है उसके बैक में करना है, तो पाथ को आप कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, इस पाथ को कॉपी कर लिया। उसके बाद जहाँ भी आपकी टैली जो है वो आपने इंस्टॉल कर रखी है, उस टैली के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशंस करेंगे। मैंने ओपन फाइल लोकेशन कर दिया। उसके बाद इसमें एक लोकेशन में एक कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होती है, जो भी आपने फाइल लोकेशन रखी है उसमें ऐसे एक कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होगी, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया और आप देखिए कि वहाँ पर एक पाथ लिखा होगा जहाँ आपका डेटा सेव हो रहा है। आप इस पाथ को जो है वो डिलीट कर दीजिए। मैंने इस पाथ को डिलीट कर दिया और यहाँ पर आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो, वहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल वी करके। मैंने डी में टैली डेटा में मेरा डेटा जाए, राइट। अब इस कंट्रोल एस करके इस फाइल को क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद ऑल टैब करके जैसे ही मैं जाऊँगी तो देखिए, न्यू पाथ जब भी क्रिएट करूँगी, अब क्रिएट कंपनी करूँगी तो न्यू पाथ ही ऊपर नज़र आएगा, राइट। तो ऐसे आप पाथ चेंज कर सकते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर। अब नेक्स्ट आपको जो मैं बताने वाली हूँ कि हमने ग्रुप कंपनी कैसे बनाना है। सिंपल कंपनी बनाना आता है, कैसे सिंपल कंपनी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक रिलायंस रिटेल बना रही हूँ, मैंने रिलायंस रिटेल कंपनी बनाई, एंटर। आपको स्टेट जहाँ पर हम सिंप्लिसिटी के लिए मैं दिल्ली ले लेती हूँ, और फिर आपको पिन कोड देना क्यों ज़रूरी होता है। पिन कोड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ई वे बिल जो है वो देखता है कितने किलोमीटर्स के लिए, तो जीएसटी में इसका रेलिवेंस होता है। फिर आप मोबाइल नंबर एंड ऑल डिटेल, सारी डिटेल जो है जैसे हम देते थे हमने देनी है। हमने एक कंपनी बना ली रिलायंस रिटेल, एंटर करके मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। इसको मैं स्किप करके बाहर आ जाती हूँ, तो यहाँ पर रिलायंस रिटेल बन गई।
एक मुझे रिलायंस जियो भी बनानी है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऑल्ट के करते हैं और क्रिएट करते हैं। ऑल्ट के करके सी करके हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं। ऑलवेज पाथ मेरा यही आएगा। अब हम यहाँ पर चलो रिलायंस केमिकल बना देते हैं। एक केमिकल बना दी मैंने, ठीक है, जो भी है यहाँ पर इसकी मेरे नीटिग्रिटीज में नहीं जा रही कहाँ पर है, वो तो स्टेट वगैरह जहाँ जो भी है वो अपने आप ले सकते हो आप, राइट, नंबर्स वगैरह एंड ऑल दैट, जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो आपने दे दिया। तो ऐसे आप कंपनीज बनाते हैं, राइट। इसको मैं स्केप करके फीचर से बाहर आ जाती हूँ। तो अभी मेरी टू कंपनीज ओपन है, रिलायंस केमिकल है एंड रिलायंस रिटेल है, दो कंपनीज हैं। अगर मुझे जो यहाँ पर बोल्ड होगी उसी कंपनी में मैं काम करूँगी। अगर मैं रिलायंस रिटेल पे काम करना चाहती हूँ तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है तो रिटेल पे चली जाऊँगी, क्योंकि रिटेल अभी बोल्ड हो गया। केमिकल में काम करना है तो केमिकल पर चली जाऊँगी। अब मैं चाहती हूँ कि एक जैसे ये टू कंपनीज, चलो एक और बना ले, ऑल्ट के करके सी करके आप एक और कंपनी बनाइए। तो रिलायंस एक जियो भी बना लेते हैं, उसका नाम ही जियो जो भी है वट एवर, ठीक है। ये सारा आपने यहाँ डेटा देना है। मैंने तीन कंपनीज बना ली, एस्केप करके मैं बाहर आ गई। आपको तीन कंपनीज दिखाई दे रही हैं। अब जो ये तीनों कंपनीज है ना, ये अंडर इसको कंट्रोल जो करता है वो रिलायंस ग्रुप करता है। तो मैं यहाँ पर जो तीनों कंपनीज है, अगर इनमें डेटा डालूंगी, ऑब्वियसली अभी मैं जब डेटा डालूंगी तो जियो में जाएगा। अगर यहाँ पर क्लिक करती हूँ, केमिकल पर क्लिक करती हूँ, तो जो भी मैं इधर कोई भी काम करूँगी वो रिलायंस केमिकल में काम होगा। मान लो तीनों कंपनीज में हम एक कंपनी में 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, एक 3 लाख करते हैं, एक 4 लाख। मुझे कलेक्टिवली देखना है कि मैंने पूरी अपनी मेरी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, कलेक्टिवली देखना है कि मेरी तीनों कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है। मतलब मुझे एक ग्रुप कंपनी में मुझे एक कंसोलिडेटेड जो है वो व्यू दिखाई दे। और अगर मुझे सेपरेट देखना है तो मैं सेपरेट जाकर भी देख सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैली में एक ऑप्शन है कि GSTN आप एक ही कंपनी में बना सकते हो। यहाँ पर मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, उसको उससे लिंक नहीं करना, वो प्रीवियस क्लास में देखो वो कैसे बताया है। यहाँ मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ एक ग्रुप कंपनी है, जो ग्रुप कंपनी है वो सभी कंपनीज का एक कंसोलिडेटेड व्यू भी देखना चाहती है, और जो वो इंडिविजुअली जो उनका P&L एंड बैलेंस शीट वो भी हम देखना चाहते हैं। जब आप एक कंपनी में अपनी ब्रांचेस के GSTN अपनी एक ही कंपनी में रखते हो ना, तो बैलेंस शीट एंड P&L भी कलेक्टिवली दिखता है, आपको सेपरेट नहीं दिखता। तो उसको और इसको मिक्स नहीं करना है आपने, राइट। यहाँ समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे एक रिलायंस ग्रुप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपको वैसे ही ऑल्ट के सी क्रिएट ही पर ही जाना है, बट यहाँ पर आपको ग्रुप कंपनी बनानी है। तो यहाँ देखो ग्रुप कंपनी, आप ऑल्ट आर प्रेस करोगे, क्या करेंगे हम ऑल्ट आर, तो यहाँ पर हमने रिलायंस ग्रुप बनाना है, रिलायंस ग्रुप, उसका एड्रेस है जो भी, ठीक है, वो कहाँ सिचुएटेड है वो आपने देना है, उसका पिन नंबर ये वो, उसकी मेंबर कंपनीज कौन कौन सी होंगी। ऑब्वियसली जो भी आपके पास अवेलेबल कंपनीज होंगी उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि एक इसकी जो कंपनी है वो रिटेल है, एक केमिकल है। अगर यही दो हैं तो एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, बट अगर तीनों हैं तो तीनों को आप सेलेक्ट करिए, एक्सेप्ट करिए। अब देखो अब यहाँ पर कितनी कंपनीज खुली हुई हैं। देखो रिलायंस ग्रुप की अपनी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, उसका सारा कुछ कहाँ से आता है, वो जो उसकी जो अनदर कंपनीज हैं, जो उसकी सब्सिडरीज हैं, उसका कलेक्टिवली व्यू वो देखता है। तो अगर मुझे रिलायंस ग्रुप पर, यहाँ पर रिलायंस ग्रुप खुला हुआ है, तो इसमें जब भी मैं बैलेंस शीट देखूंगी तो इन तीनों कंपनी का जो भी कलेक्टिव व्यू होगा वो दिखाई देगा। चलो एक ही मैं आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल में गई मैं, देखो स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है गलत हो गई, हो जाती है कभी कभी गलती, तो स्पेलिंग्स पर नहीं जाओ आप। मान लो कि मैं एक वाउचर एंट्री में कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, रिलायंस रिटेल में मैं 2 लाख कर लेती हूँ। तो आपने कैसे करना है, ऑब्वियसली आप F6 करेंगे, क्योंकि कंपनी को पैसा रिसीव हो रहा है, किस अकाउंट में आ रहा है, तो आपको एक बैंक बनाना पड़ेगा। अगर आप इसका डेबिट क्रेडिट मोड जो है वो देखना चाहते हो तो Ctrl+H करके आप डबल एंट्री सिस्टम को ऑन कर लीजिए, 2 बाय दिखेगा। तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे जब भी हम,
ग्रेट, ऑब्वियसली टू क्या होगा आपका कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट आप बनाइए। कैपिटल किसके अंडर आता है, कैपिटल के अंडर आता है और बाकी सब कुछ कंट्रोल ए करके मैंने कैपिटल बना दिया। तो 2 लाख मैंने इसमें जो है वो डाल डिपॉजिट कर रही हूँ इस कंपनी में। और बाय, बाय मैं किसको कर रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे एक बैंक क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने कोई भी बैंक आपका क्रिएट कर दिया, तो बैंक को बैंक अकाउंट के अंडर ले लो। बाकी OCC OD क्या होता है क्लासेस में डिस्कशन की हुई है। यहाँ पर जो भी उसका अकाउंट नंबर है, जो भी उसका IFSC कोड है, वो सारा कुछ आपको देना पड़ता है। ये सब कुछ दे दिया, एंटर कर दिया, तो 2 लाख मैंने यहाँ पर ले लिया, एंटर किया, जो भी है कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया, अब यहाँ पर सेव हो गया। ऑब्वियसली मैं इसकी बैलेंस शीट बी को प्रेस करूँगी तो 2 लाख करंट एसेट में 2 लाख दिखाई देगा, राइट। ये तो हो गया रिलायंस रिटेल की बात। अब मैं रिलायंस केमिकल में भी जो है यहाँ 2 लाख किया तो वहाँ हम 5 लाख कर देते हैं। तो हम वाउचर्स में जाते हैं, वाउचर्स में जाते हैं, रिसीव करते हैं, क्योंकि देखो, अब देखो ध्यान से देखो, जहाँ मुझे कैपिटल वगैरह दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, वो वाला कैपिटल इधर नहीं आएगा, मैं क्रिएट करूँगी, क्रिएट करके कैपिटल, कैपिटल को कैपिटल के अंडर ले लिए और कंट्रोल ही कर दिया, ये आ गया। यहाँ पर हम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाय। और जो भी आपने ऑल्ट सी किया तो हम कोई भी बैंक जो है यहाँ पर बना लेते हैं, तो हमने बैंक अकाउंट के अंडर ले लिया और कंट्रोल ही कर दिया, ये मेरा 5 लाख हो गया, कंट्रोल ही कर दिया, दैट्स इट। एस्केप करके बाहर आ गई, केमिकल में भी होगी, हम जियो में भी कर लेते हैं। तो जियो में थोड़ा हमने कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्रिएट तो करेंगे ही हम, ऑब्वियसली हर एक का लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कैपिटल, और कैपिटल को कैपिटल के अंडर ले लिया मैंने, एंटर एंटर करके कंट्रोल ही करके मैंने यहाँ पर हम 10 लाख ले लेते हैं, तो 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख आपका 17 लाख हो जाएगा, ठीक है। और बाय, यहाँ पर ऑल्ट सी करके हम बैंक भी बना लेते हैं, तो हमने बैंक भी बना लिया और बैंक को बैंक के अंडर ले लिया, ठीक है, कंट्रोल ही कर देती हूँ, 10 लाख कंट्रोल ही कर देती हूँ, ये मेरी एंट्री हो गई। तो अगर मैं रिलायंस जियो का भी बैलेंस शीट देखती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे 10 लाख दिखेगा, बट अगर मैं रिलायंस ग्रुप को देखती हूँ तो आप रिलायंस ग्रुप पर चले जाइए, उस पर टिक करिए, जब यहाँ पर बोल्ड हो जाए तो इसकी बैलेंस शीट को देखिए, तो इसकी बैलेंस शीट में 17 लाख दिखाई देगा। समझ आई कि ग्रुप का कलेक्टिवली आप कंसोलिडेटेड व्यू देखना चाहते हो, देन आपको ग्रुप कंपनी, उसकी अपनी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, जो बट जो उसकी डिफरेंट सब्सिडरीज है उनके जो कलेक्टिव व्यू है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक और बात, मान लीजिए आपने सैलरी दी है एम्प्लॉयज़ को, आप ग्रुप की बात नहीं करेंगे, हम रिलायंस रिटेल के ग्रुप के अपनी सैलरी देंगे, वो भी उसमें दिखाई देगा, और 3 जो उसकी कंपनीज हैं उसका भी जो ट्रांजेक्शन है वो भी कलेक्टिवली यहाँ दिखाई देगा। अब मैं आपको क्या बताने लगी हूँ कि मान लो किसी कंपनी में हम कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी की रिकॉर्ड करते हैं, और सेम ट्रांजेक्शन है मुझे दूसरी कंपनी में भी चाहिए, ठीक है, वो तो छोटी सी ट्रांजेक्शन है। समटाइम आपने देखा होगा कि आप परचेज करते हो, आप नंबर ऑफ आइटम्स को परचेज कर रहे हो, 10 आइटम्स को परचेज कर रहे हो, और सेम आइटम्स को आपने दूसरी कंपनी में भी परचेज किया, मीन्स एज इट इज़ वो ही जो इनवॉइस है, सिर्फ थोड़ा बहुत अमाउंट का चेंज है, आपको दूसरी कंपनी में भी लेके जाना है, तो कैसे? मैं एक सिंपल ट्रांजेक्शन पर आपको ये करके दिखाऊंगी। आप जो अगर आपकी 2 कंपनीज हैं ना, दोनों में सेम टाइप्स की जो ट्रांजेक्शन होती है तो कैसे कॉपी वगैरह करते हैं वो बताने लगी हूँ। चलिए, अभी हम हैं, मान लीजिए हम रिलायंस रिटेल में हैं, मैं यहाँ पर एक एंट्री करती हूँ, मैं पेमेंट करती हूँ, ठीक है, हम F5 प्रेस करेंगे, हम पेमेंट करेंगे सैलरी की, तो चलिए एक एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करते हैं, सैलरी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ये सारा कुछ आप नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। आपने सैलरी दिया मान लीजिए 20,000, मैं बहुत ही कम अमाउंट के, क्योंकि लार्जर अमाउंट में भी इम्पैक्ट तो सेम ही आएगा ना, तो हम HDFC बैंक से ये दे रहे हैं, ठीक है, और कंट्रोल ए कर दिया, ये एंट्री होगी। अच्छा, ये रिटेल में हमने एंट्री की है। अब केमिकल जो है, केमिकल ग्रुप जो है,
उसमें भी हमें सेम एंट्री करनी होती है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, लेकिन वो लेजर होना चाहिए, तो मैं क्रिएट करके मैं सैलरी का एक लेजर बना देती हूँ, सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंड कंट्रोल ए कर दिया। अभी एंट्री हमने रिलायंस रिटेल में की है, अगर सेम एंट्री हमें केमिकल में भी करनी है तो आप यहाँ से रिलायंस केमिकल को चूज़ करोगे, और पहले रिलायंस रिटेल में आके आप डे बुक में आके उस एंट्री को ना ओपन कर लो। ये वाली एंट्री मैंने ओपन कर ली, सेम एंट्री मुझे जो है वो कहाँ पर लेके जानी है, मुझे रिलायंस केमिकल में भी लेके जानी है। तो आप ऑल्ट एफ थ्री प्रेस करेंगे, ऑल्ट एफ थ्री प्रेस करेंगे, और मुझे केमिकल्स में भी लेके जानी है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर रिलायंस केमिकल आ जाएगा। और इसको आपने क्या करना है, अगर कुछ अमाउंट की चेंज करनी है कर लो, अदरवाइज कंट्रोल ए प्रेस कर देना, दैट्स इट। अब बैक आ जाओ, अब देखो रिलायंस रिटेल में जाओगे, इसका डे बुक देखो तो सैलरी और कैपिटल है, और रिलायंस केमिकल में जाओ उसका डे बुक देखो, उसमें भी पेमेंट और रिसीट जो भी सैलरी है वो आ गई। उसमें चेंजेस करना, चेंजेस करके कंट्रोल ए कर दो, वैसे ही कंट्रोल ए कर दोगे वो एंट्री। मींस एक कंपनी का जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, किया है, उसको सेम ट्रांजैक्शन को दूसरी कंपनी में भी रिकॉर्ड करना है, तो आप क्या करते हो कि उस कंपनी में उस ट्रांजैक्शन को ओपन करो, ऑल्ट एफ थ्री करो, जिस कंपनी में उसको कॉपी करना है, ठीक है, वो कंपनी आपकी देखो जहाँ पर, जैसे रिलायंस केमिकल खुली हुई है, ऑल्ट एफ थ्री करेंगे, जैसे ही आप ऑल्ट एफ थ्री करेंगे तो दूसरी कंपनी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो मान लीजिए मुझे जियो में भी चाहिए, तो यहाँ पर जैसे करोगे तो जियो आ जाएगा, कंट्रोल ए प्रेस करूँगी तो ये जो ट्रांजेक्शन है इधर भी रिकॉर्ड हो जाएगी, प्रोवाइडर कि ये लेजर वहाँ होने चाहिए, ठीक है। तो एक ये टिप एंड ट्रिक्स हो गया आपका। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी कंपनी को आपने डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि रिलायंस रिटेल है, इसके ऑल्टर मोड में जाइए, ऑल्ट डी प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगी। बट क्योंकि ये ग्रुप कंपनी है तो पहले ग्रुप कंपनी से मुझे हटाना पड़ेगा इसको, तो पहले यहाँ पर ग्रुप कंपनी का पार्ट है तो इसको यहाँ से जो है हटा दीजिए, मैं एक नई कंपनी बना देती हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, एक न्यू कंपनी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, तो ऑल्ट के करके सी करके हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, फिर उसको डिलीट करके देते हैं। तो एबीसी कंपनी मैंने न्यू कंपनी जो है वो क्रिएट कर दी है, वो सॉरी स्टेट है दिल्ली ले लिया मैंने, और एंटर करके कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया, एस्केप करके बाहर आ गई। अगर मुझे इस कंपनी को डिलीट करना है तो हम ऑल्ट के करके इसके ऑल्टर मोड में जाएंगे, एबीसी सेलेक्ट कर ली, तो ऑल्ट डी आप जैसे ही प्रेस करोगे यस करोगे, कहता आर यू श्योर आप डिलीट करना चाहते हो, मैंने कहा यस, तो डिलीट हो जाएगा। बट यही आप अगर रिलायंस रिटेल के साथ करोगे तो वो नहीं आपको करने देगा, क्यों देखिए, ऑल्ट के प्रेस करेंगे हम, ऑल्टर में जाएंगे, रिलायंस रिटेल को मैं प्रेस करूँगी, मैं ऑल्ट डी प्रेस करूँगी, जैसे ही मैं यस करूँगी, आर यू श्योर यस करूँगी, तो वो नहीं करने देगा क्योंकि मुझे पहले ग्रुप कंपनी से इसको हटाना पड़ेगा। तो ग्रुप कंपनी से कैसे इसको हटाएंगे, तो आप वही ऑल्ट के करके ए करके आपको पहले ग्रुप कंपनी को ही चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नीचे जो है, मान लो जियो को हटाना है, तो यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देती हूँ, इसको नहीं सिलेक्ट करती, एंड कर देती हूँ, तो ये जैसे ही एस्केप करके मैं पीछे जाती हूँ, तो यहाँ पर एक बार, क्योंकि पीछे का वो लेता रहता है डेटा, तो एक बार मुझे कंपनीज़ को क्विट करके शट करके दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, तभी ये जो इम्पैक्ट आपने दिया है वो विजिबल होगा। ऐसे ही अगर आप ग्रुप कंपनी में न्यू कंपनी को ऐड करते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं आता, आपको पहले शट करना पड़ता है, फिर ऑन करना पड़ता है, फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो उसमें लेता है। अब देखिए दोबारा से टैली को मैं ओपन कर रही हूँ, आप इसको एजुकेशनल मोड में ओपन कर लीजिए, और मैं रिलायंस ग्रुप को ओपन करती हूँ। तो रिलायंस ग्रुप में अब दो ही आ रहे हैं, राइट। अब अगर आपको कि कोई भी कंपनी, जैसे मैंने कहा कि जियो है, अगर मुझे उसको डिलीट करना है तो ऑब्वियसली पहले मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा, तो आप ऑल्ट के करके भी यहाँ से भी जो है वो चेंज कंपनी कर सकते हो, या सेलेक्ट कंपनी, ऑल्ट एफ थ्री करके भी कर सकते हो, या यहाँ से भी कर सकते हो। एंटर किया, मैं कोई भी कंपनी यहाँ से जियो कंपनी को सिलेक्ट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको ऑल्ट
मीन्स चेंज करना है या डिलीट करना है, तो इसको ओपन करके मैं ऑल्ट डी कर देती हूँ। जैसे ही ट्रांजेक्शन आप डिलीट करते हैं वैसे आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, अब जियो कंपनी आपकी डिलीट होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कंपनी है आप ऑल्ट मोड में खोलो, ऑल्ट डी प्रेस करो, वो डिलीट हो जाएगी। बट अगर वो कंपनी किसी ग्रुप का पार्ट है तो वो आपको डिलीट नहीं करने देगा, पहले उस ग्रुप में से जो है आप उसको जो है डिलीट करेंगे, आफ्टर दैट इंडिविजुअल जो भी रह जाएगी वो कंपनी डिलीट होगी, राइट। अब इसके बाद एक और पार्ट करेंगे हम। लीजिए कि आपने कोई कंपनी बनाई है, आपने अपना डेटा किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? जो भी आपने पाथ दिया होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर आप उस पाथ को जो है कॉपी करके पेस्ट करके सेव करके रख दो, वहीं पर आपकी कंपनीज जो हैं बनेगी। जैसे मैंने डी ड्राइव में बनाई हैं, अगर मैं देखूं तो डी ड्राइव में मैंने ये कंपनीज बनाई हैं, तो पहली कंपनी 000, फिर 001 एंड ऑल, 2 कहाँ गई, डिलीट कर दी मैंने, ठीक है। 4 भी मैंने बनाई थी, डिलीट कर दी मैंने। तो ऐसे नंबरिंग जो है चलती रहती है, बीच में नंबरिंग स्किप है, तो इट मींस कि आपने कंपनीज को डिलीट किया हुआ है। आप क्या करेंगे, अगर इस कंपनी को किसी को भेजना है, आप इस पर राइट क्लिक करके इसको जो है वो जिप फाइल बना लेंगे। उसके बाद आप इसको कोई भी किसी भी मेथड से, मेल से या अपनी वन ड्राइव के थ्रू किसी को भी भेज सकते हैं। तो कंप्रेस टू जिप फाइल कर लीजिए और उसके बाद आप किसी को भी इसको मेल कर सकते हैं। अगर आप इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बैक एंड से भी ये कंपनी डिलीट हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपका कि आपको कंपनी को डिलीट कैसे करना है, कंपनी ग्रुप कैसे बनाना है, या कंपनी की ट्रांजेक्शन को एक दूसरे में कॉपी कैसे करना है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑल्ट एक्स एंड ऑल्ट डी। ऑल्ट डी इज द डिलीटिंग द वाउचर एंड ऑल्ट एक्स इज द लाइक दैट इज द कैंसलिंग द वाउचर। व्हाट इज़ द डिफरेंस, लाइक मेरे पास 2 ट्रांजेक्शन हैं, मैंने ना अमाउंट रिसीव की है किसी भी मिस्टर एक्स से, अमाउंट रिसीव की है, मैंने 2 चेक्स जो हैं, मान लीजिए मैंने उससे 2 चेक्स जो है रिसीव किए हैं, और मेरी जो अकाउंट में HDFC बैंक में वो दोनों चेक आए हैं, तो यहाँ पर आप किस अकाउंट में आए हैं वो आप बताएंगे। मान लीजिए स्पेस बार में प्रेस करती हूँ तो रिसीट किया है मैंने HDFC से, पर्टिकुलर में मैं ऑल्ट सी करती हूँ, मैं उस पार्टी का लेजर क्रिएट करती हूँ। मान लीजिए जो एक्स है उसने मुझे जो पैसे दिए हैं, ही इज़ माय सन्ड्री डेटर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, बिल बाय बिल मैं ये सब कुछ नो कर रही हूँ, सिर्फ मैं ऑल्ट एक्स और सी समझाने के लिए ये ट्रांजेक्शन पास कर रही हूँ। तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करती हूँ, मान लीजिए कि उसने मुझे 30,000 दिया है, एंटर करते हैं, तो यहाँ पर वो पूछेगा कि चेक नंबर क्या था, मैंने कहा जो चेक नंबर था ना वो था 3001, ये सीरीज़ थी और 1 अप्रैल ही उस पर नाम था, और जो उसने चेक दिया था वो कोई स्पेसिफाई बैंक कर देते हैं कि हमारी कोई भी ले लो, SBI का चेक था जो उसने मुझे दिया था, ये सारी डिटेल दे दी और एंटर कर दिया, राइट। एक और चेक मुझे उसने दिया है उस पर्सन ने, मान लीजिए 2 चेक दिए हैं, HDFC बैंक में ही डिपॉजिट करवाया है, मिस्टर एक्स ने ही दिया है वो चेक, और ये मुझे 5,000 का चेक दिया है, तो एंटर करते हैं और इसका मैं 4001 लिख देती हूँ, इंस्ट्रूमेंट डेट दे दीजिए, बैंक नेम दे दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, एंटर। अब जैसे ही मैं डे बुक में जाती हूँ, ठीक है, डेट बुक में जाती हूँ, अगर 1 अप्रैल में है तो सारी की सारी 1 अप्रैल की जो है आपको दिखाई देगा। अगर आप ना ऑल्ट F2 करते हो तो यहाँ पर अगर दोनों डेट्स को आप ब्लैंक कर देते हो ना, तो जितनी डेट्स का डेटा होगा, जितनी भी डेट्स का डेटा होगा वो सारा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी तो 1 अप्रैल है तो सारा दिखाई देता है, अदरवाइज जो डेट यहाँ मेंशन होती है ना उसी डेट का है। तो ऑल्ट F3 करके आप पीरियड देख सकते हो कि 1 अप्रैल से मुझे 1 मई तक या 1 मई से 1 जून तक मुझे डेटा दिखाई दे, तो ये सारा डेटा है। मान लीजिए ये जो मुझे चेक आया था, रिसीव हुआ था मिस्टर एक्स से, वो चेक जो है वो बाउंस हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को हम थोड़ा चेंज करेंगे, हम इसकी नरेशन में लिख देंगे कि बाउंस हो गया है चेक, तो जो चेक नंबर था वो सारी डिटेल, बाउंस का रीज़न क्या था, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना होता है, तो मैंने एंटर कर दिया। बट अगर मैं चेक बाउंस हो गया तो इस एंट्री का कोई रेलिवेंस नहीं है, तो अगर मैं इसको ऑल्ट डिलीट करूँगी तो मेरे डेटा से ही जो है यहाँ से चला जाएगा, मुझे एंट्री नहीं पता चलेगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि इस पर्सन ने कभी मुझे ये चेक दिया भी था, राइट। लेकिन अगर मैं ऑल्ट एक्स करती हूँ, जैसे मैं ऑल्ट एक्स करती हूँ तो वो कहता है क्या इस एंट्री को कैंसिल करना है, बाउंस हो गया, अब इस एंट्री को मुझे कैंसिल करना है,
उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो मेरे यहाँ पर तो रहेगी कि ये यहाँ पर कुछ एंटर आपने किया था लेकिन वो कैंसिल हो गया। अगर आप इसको डिलीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सैलरी को डिलीट कर देती हूँ, मान लीजिए मैं इसको ऑल्ट डी करती हूँ, तो यस करती हूँ, सैलरी कम्प्लीटली यहाँ से जो है वाइप्ड आउट ऑफ हो जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये एंट्री मैंने कभी डाली भी थी। तो कैंसिल से क्या होता है कि एटलीस्ट मेरे जो है डेटा पे यहाँ पर रहता है कि भी ये रिसीट हुआ था, बाद में कैंसिल हो गया। रीज़न जानना चाहते हो तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे डेटा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो भी आपने यहाँ पर नरेशन लिखा होगा वो आपको यहाँ पर विजिबल होगा, जिससे बाद में जब ऑडिट भी होता है तो क्लैरिटी हो जाती है कि भाई हाँ ये जो है कैंसिल हुआ था। अगर आप भी किसी को अपने चेक्स इशू करते हैं, बीच में कोई चेक जो है मान लीजिए गलत हो गया तो उसको कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल करने से क्या होगा ना, आपके डेटा में इंफॉर्मेशन रहेगा कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था कि ये चेक यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो दिस इज द रीज़न बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द कैंसिलेशन एंड डिलीशन। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपको डुप्लीकेट मीन्स जैसे सैलरी है, आपको डेटा बहुत सारा आपके पास डेटा आया है और जो सैलरी है वो एवरी मंथ जा रही है, एवरी मंथ आपको सेम एंट्री पास करनी, तो जल्दी जल्दी वो एंट्री हम कैसे पास करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सैलरी की यहाँ से एंट्री तो मैंने डिलीट कर दी, मैं एक बार पास कर लेती हूँ, तो आप सैलरी दे रहे हैं तो मैं एक बार पेमेंट की एंट्री पास कर लेती हूँ। तो आपका अकाउंट कौन सा है, HDFC से आप सैलरी दे रहे हो आप 20,000 की, और एवरी मंथ ये 1 अप्रैल की एंट्री है और एवरी मंथ जो यही आपकी एंट्री जो है वो पास होती है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसलिए हम डे बुक में जाते हैं, मुझे इसी एंट्री को जो है 1 मई 1 जून एंड ऑल दैट ऐसे ही जो है वो पास करना है। तो इस एंट्री पर आप जैसे ही Alt+2 प्रेस करते हो तो ये देखिए कि आपको ऊपर देखेगा कि डुप्लीकेशन हो रहा है। आप F2 प्रेस करके यहाँ पर 1 मई कर दो, ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना, कोई चेक्स वगैरह कुछ नहीं चेंजेस करना, देन Ctrl+A प्रेस कर दो, तो यहाँ पर जो है वो एंट्री आपको दिखाई नहीं दे रही। अभी मैंने रीज़न बताया था कि अगर आप Alt+F2 करेंगे मुझे कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं दोनों सेल्स को ब्लैंक कर देती हूँ तो जितनी भी एंट्रीज आज तक हुई होंगी, मीन्स कोई हमने यहाँ पर क्राइटीरिया नहीं लगाया पीरियड्स का, कोई भी एंट्रीज होगी वो सारी दिखाई देंगी। अगर पर्टिकुलर पीरियड देते हो तो उस पर्टिकुलर मंथ्स या उस पर्टिकुलर क्वार्टर्स की ही आपको एंट्रीज दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 पेमेंट की, तो ऑलवेज कभी ऐसी एंट्री होती है ना कि एवरी मंथ या हाफ ईयरली या हाफ कह लो कि बाय मंथली ऐसी कोई भी रिकॉर्ड होती है, तो उसको आप डुप्लीकेट करते रहो, उस एंट्री पर आप जाकर उसको सिलेक्ट करके Alt+2 प्रेस करिए, डुप्लीकेट खुलेगी, Ctrl+A कीजिए, जिस भी डेट में आपने दोबारा से उसको सेव करना है सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो टैली में यूज़ होते हैं, आई थिंक आपके लिए यूज़फुल हो रहे होंगे। तो अगर आप फुल कोर्स को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा TallyPrime 4.0 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।